अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबाल एवान। सी शार्प की सीरीज़ में सिक्स वीडियो में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। रिसेंटली जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, जो लेक्चर हमारा फाइव था, उसमें मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था कि स्टेटमेंट्स हम कैसे लगाते हैं और स्टेटमेंट हम कंडीशन कैसे लगाते हैं, और कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो देन डिसीजन कैसे हम पास करते हैं। तो उसमें हमने इफ भी पढ़ा था, एल्स भी पढ़ा था, इफ एल्स इफ एल्स का ब्लॉग भी पढ़ा था, स्विच केस भी पढ़ा था ना। तो वहाँ पे जैसे हमने वहाँ पर भी हमने काम किया था, जैसे परसेंटेज को हम मैच करा रहा था और उस परसेंटेज के अगेंस्ट में जैसे हमने जो है वो परसेंटेज के अगेंस्ट में हमने जो एक ग्रेड असाइन किया था। अब जैसे हमारे मैट्रिक्स सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी की परसेंटेज फॉर एग्जांपल 80% बन रही है, लेकिन अगर वो किसी भी एक पेपर में फेल है, किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो इसका मतलब है कि उसको ग्रेड नहीं मिलता, वो फेलियर में आता है। इस तरह की अगर हमें एप्लीकेशन बनानी हो जहाँ पे हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो, तो वहाँ पे हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि एक हम इफ़ का ब्लॉक ही बनाते हैं और उसमें एंड की कंडीशन लगा लेते हैं, दूसरा हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग होगी उसमें मैं नेस्टेड इफ़ के बारे में बताऊँगा और फिर बाद में वो एंड की कंडीशन भी बता दूंगा आपको मैं। तो नेस्टेड क्या होता है, पहले हम ये क्लियर करें कि नेस्टेड क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग के ब्लॉक के अंदर, यानी कोई भी प्रोग्रामिंग की हमारे पास एक मिसाल है, कोई लॉजिक है, जैसे हम इफ़ की स्टेटमेंट है, स्विच केस है, हमारे पास लूप्स है, फंक्शन है, अगर मैं उसके अंदर उसी चीज़ को रिपीट कर दूँ तो वो नेस्टेड कहलाएगी। यानी इफ़ के अंदर मैं इफ़ को यूज़ करूँगा तो नेस्टेड इफ़ कहलाएगा, उसमें जो बाहर का होगा आउटर इफ़ होगा वो हमारा पेरेंट होगा, और जो उसके अंदर चाइल्ड होगा वो हमारा चाइल्ड इफ कंडीशन कहलाएगी। अगर आउटर से वो निकलेगा तो इनर में आएगा, इनर जो चाइल्ड है हमारा, इनर में उस वक्त आएगा जब वो आउटर से क्लियर करेगा, ट्रू होगा तो वह इनर में आएगा, और अगर आउटर से फॉल्स हो जाता है तो सब इनर में नहीं आएगा, और अगर आउटर से ट्रू होता है और इनर में आके फॉल्स करेगा तो फिर वहाँ से वो दूसरी स्टेटमेंट में कंडीशन में चला जाएगा। तो इसी तरह से जैसे लूप लगाते हैं तो लूप के अंदर हम लूप चलाते हैं, फॉर लूप है या वाइल लूप है, उसके अंदर दोबारा लूप चलाते हैं तो नेस्टेड लूप कहलाएगी। एक फंक्शन के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं तो नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। तो नेस्टेड का जो लफ्ज़ है प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के अंदर उसी चीज़ को रिपीट करना, जब मल्टीपल जो है कंडीशन वगैरह के लिए आज हम इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं परसेंटेज और सब्जेक्ट दो वेरिएबल्स इनको मैं मैच करना चाहता हूँ, तो हमने नॉर्मल किया, हमने कहा इफ़। अब मैं इसी में आपको बाद में इफ़ बता रहा हूँ, इसके बाद मैं स्विच केस भी बताऊँगा आपको कि स्विच केस में हम कैसे कंडीशन लगाते हैं। थोड़ा टिपिकल होता है और मैं वो भी आपको समझाऊँगा किस तरीके से हम स्विच केस में भी जो है नेस्टेड स्विच कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इफ़ पे आता हूँ। अगर मैं पी की परसेंटेज को चेक कर रहा हूँ, अगर पी की परसेंटेज ग्रेटर देन होता है या इक्वल होती है 80 के, जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो देन उस सूरत में क्या होता है, मैंने कहा प्रिंट कर दो, और मैंने प्रिंट करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल का ए प्लस का मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो प्रिंट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो सब्जेक्ट भी चेक करना है, जैसे सब एस के नाम से वेरिएबल है, मुझे उसको भी चेक करना है। तो देन इस सूरत में मैं चाहता हूँ अगर परसेंटेज भी 80 हो और सब्जेक्ट है उसकी मार्क्स भी 40 से अबव हो, तो देन उस सूरत में जो है उसको जो है एक प्लस देना है, तो मैं इसको 80 मार्क्स कर देता हूँ पहले। तो फिर उस सूरत में उसको जो है ए प्लस ग्रेड असाइन करना है, अदरवाइज उसको ए प्लस ग्रेड असाइन नहीं करना। तो अब इस सिनारी में हम लोग क्या करेंगे, अब मैं नेस्टेड इफ़ लगाना चाहता हूँ तो मैं एक इफ़ के अंदर एक इफ़ और लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आके एस के वेरिएबल को चेक करूँगा कि अगर एस का वेरिएबल वो भी ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्टी आपकी पासिंग मार्क्स है, तो मैं 40 पासिंग मार्क्स से मैच करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 40 अगर होता है तो देन उस सूरत में आप इसको ये वाला प्रिंट देना, यानी ए प्लस ग्रेड का प्रिंट आप उसको आउटपुट दे देना, ठीक है जी। और अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि अगर वो देखिए अब यह होगा क्या है, ये आउटर इफ़ है, ये इनर है, तो ये पेरेंट कहलाती है, ये हमारी चाइल्ड कहलाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब इस ब्लॉक में आएगा, अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब है इसको प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो इसका एल्स चाहिए, और अगर ये फॉल्स होगा तो इसका भी एल्स चाहिए, मैं दोनों के आउटपुट जनरेट करवाना चाहता हूँ। तो हमने कह दिया जैसे हमने इसका एल्स बनाना है तो इसका मैंने एल्स यूज़ कर लिया, और फिर मैंने इसके एल्स के ब्लॉक में कह दिया, हमने कहा प्रिंट करवा दिया कि हमने कहा फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट सब्जेक्ट आर नॉट क्लियर, ठीक है जी। अच्छा मतलब है अब वो इसके एल्स पे आएगा ना, ये तो कंडीशन है ट्रू हो गई, अगर 80% तो मिल रही है तो इसके ऊपर तो मैं नहीं दे सकता हूँ,
अगर 80% उसको मिल गई और इसके ब्लॉक में आता है और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये इसके एल्स में आएगा, तो इसका मतलब ये एल्स इस इफ का हो जाएगा। और इस इफ का अगर मैं एल्स इफ यूज़ करना बनाना चाहता हूँ तो फिर मैं इस भी आऊँगा, चाहे मैं एल्स इफ लगाना चाहता हूँ, मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहता हूँ, चाहे मैं एक ही कंडीशन लगाना चाहता हूँ, अगर एक ही लगाना है तो हमने इसको एल्स दे दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आके हमने अगर उसका 80% नहीं होगी तो वो यहाँ पर इस ब्लॉक में आएगा और यहाँ पे हमने कह दिया है फॉर एग्जाम्पल का नो ग्रेड। ठीक है जी, अब कहानी क्या होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ठीक है इस ब्लॉक में आएगा, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा, और अगर ये ट्रू होती है और इस ब्लॉक में आ जाता है और फिर ये फॉल्स हो जाएगा तो इसका प्रिंट कर देगा। अब यहाँ देखिए दोनों कंडीशन मैच हो रही है, तो इससे मतलब मुझे प्रिंट जो आएगा वो ए प्लस का आएगा। ठीक है, ए प्लस का प्रिंट आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अभी कंडीशन फॉल्स है फॉर एग्जाम्पल 50 है, तो इसका मतलब वो इसके इनर में जाएगा नहीं, उसके इनर में जब नहीं जाएगा तो फिर जो है वो यहीं से बाहर आएगा और इसके एल्स को यहाँ पे नो ग्रेड का प्रिंट दे देगा मुझे। हम अच्छा सही, 50 से तो अभाव ही है ना, अब 50 से तो अभाव ही है तो उसको मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है ना, अगर मैं कहता हूँ 500 से अभाव है या 90 कर दो, क्योंकि 50 से ऊपर तो 80 तो 50 से ऊपर ही जा रहा है, तो मतलब अब ये इसके एल्स पे आएगा और मुझे यहाँ प्रिंट कर देगा नो ग्रेड। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा फॉर एग्जांपल ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसको मैं मैच करवा लेता हूँ, मैंने 70 रख लिया यानी 70 से अबव ही 80 है, तो हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो मतलब 80 ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कंडीशन रॉन्ग हो जाती है या 30 मार्क्स हो गए, अब क्या होगा, वो इस ब्लॉक में आएगा तो ये कंडीशन तो उसकी ट्रू हो जाएगी, लेकिन जैसे इस पे आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस एल्स का प्रिंट दे देगा। सॉरी एक मिनट, पहली कंडीशन ग्रेट ग्रेटर देन टू 70 हमने कंडीशन ट्रू कर दी और फिर इसमें कहता हूँ एस ग्रेट, अच्छा सही है सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 तो है ना, 40 जो है वो 30 से बड़ा ही है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। ठीक है जी, या फिर मैं इसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल इक्वल हटा देता हूँ, हमें तो सिर्फ मैच करना है, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू 40 है, अब मैं कहता हूँ अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 तो 50 तो है नहीं, तो अब यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो इस ब्लॉक में आ जाएगा और यहाँ से उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर, तो करेंगे मकसद ये कि इस तरह से हम नेस्टेड इफ लगाते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। अब किसी की परसेंटेज अगर 80 है और उस पेपर में अगर फेल क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर जो है वो बात होती है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसने मार्क्स लिए 30 और मैंने जो कंडीशन जेन्युइन कंडीशन लगाई है वो है 40 की, कि अगर 40 या उससे अबव है तो पासिंग मार्क्स है। ठीक है जी, अच्छा यहाँ मैंने कंडीशन लगाई है ए प्लस की के लिए 80% और यहाँ वो परसेंटेज ले लेता है 70, तो अब ये स्टूडेंट्स के की परसेंटेज है 70 और उसके जो है वो उस सब्जेक्ट से अंदर उसके मार्क्स है वो 30 है, तो उसका मतलब अब वो इस न इसके इस इफ से ट्रू करके निकलेगा और ना ही वो इस नेस्टेड से निकलेगा तो बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो उसका मतलब पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, हमें नो ग्रेड असाइन कर देगा। ठीक है जी, और अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसने जो मार्क्स लिए है वो उसने 80 लिए है या 80 से अबव लिए है, 90 लिए फॉर एग्जांपल, तो सो मतलब फिर वो इसके नेस्टेड में आएगा और जहाँ पे आके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सो मतलब इसका वो प्रिंट कर देगा। आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम कंडीशन अगर लगाते हैं नेस्टेड इफ पे तो कैसे लगाते हैं। अच्छा ये काम, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नेस्टेड इफ से नहीं करना चाहता, मैं इफ से ही करना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है, तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कंडीशन ही यूज़ होती है, यानी इफ हम के ऊपर हमारी बहुत अच्छी लॉजिक होनी चाहिए। तो अगर मैं एक ही इफ के अंदर कंडीशन पास करना चाहता हूँ तो कैसे करते हैं, हमने कहा इफ पी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, फिर हम लगाएंगे एंड, एंड लॉजिकल गेट है, ऑपरेटर है हमारा सी शार्प का, जो क्या करता है दोनों कंडीशंस को चेक करता है कि अगर दोनों कंडीशन उसकी दोनों कंडीशन आपकी जो है वो सही है, अगर दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो देन उस सूरत में जो है वो उसको ओके करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब हमें वहाँ से वो बाहर निकाल देगा। तो पहली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड एस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो देन अब इसके ब्लॉक में आ जाते हैं और इसके ब्लॉक में आके मैंने कहा प्रिंट कर दो
ए प्लस, ठीक है जी। अब यहाँ मैं नेस्टेड नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंगल इफ लगा रहा हूँ, और उस सिंगल इफ के अंदर मैंने दो कंडीशंस को मैच कर दिया, तो जितनी चाहे करना चाहे कर सकते हैं। अगर दोनों को चेक करना है तो एंड लगाएंगे, अगर मैं दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो कर दो, तो फिर हम ऑल लगाते हैं। ये हमारे पास और का ब्लॉक होता है, उससे मतलब कोई भी एक ट्रू हो जाएगा तो ट्रू कर देना, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं दोनों कंडीशन ट्रू हो तो काम करना है, तो फिर हम एंड लगाते हैं। तो सर मतलब अब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो सही है, अदरवाइज इसके एल्स पे आ जाएगा, और इसके एल्स पे आके उसने हमने को एक और प्रिंट करवा दिया, हमने कह दिया फेल। अब इसमें हम मल्टीपल जो है वो मैसेज पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये हमें यहाँ पे दो तरह के मैसेज पास किए थे कि अगर एक मिसाल हो जाए तो ए प्लस कर देना, अगर सब्जेक्ट में फेल है तो उसका प्रिंट कर देना, और अगर परसेंटेज से लेस है तो फिर उसका प्रिंट कर देना। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक ही एल्स लगाएंगे, क्योंकि इफ इफ का एक ही एल्स होगा तो हम एक ही एल्स लगाएंगे। तो अगर यहाँ कंडीशन देखिए 90 आ रहा है मार्क्स, और मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो इसका मतलब ये ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैं 40 से चेक करा रहा हूँ और उसके सब्जेक्ट में मार्क्स 30 है, तो इसका मतलब ये वो एल्स में जाएगा और फेल पे हमें प्रिंट करवा देगा, फेल का प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है और हम मैं जो है उसको जो है वो फॉर एग्जाम्पल 60 या 70 पास कर देता हूँ, तो उसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उसका मतलब इस ब्लॉक में आएगा और ए प्लस का प्रिंट दे देगा हमें, ठीक है जी। क्लियर है, समझ आई बात। तो इस तरीके से हम कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन लगा के हम उसके अगेंस्ट में जो है वो काम करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं स्विच केस पे काम करना चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं स्विच केस पे काम करना चाहते हैं, तो देन क्या होगा कि मैं नेस्टेड अगर स्विच लगाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल होता है, ज़रा समझिएगा इसको, आराम से मैं समझाता हूँ इसको कि स्विच के अंदर हम कैसे लगाए थे, क्योंकि थोड़ा सा सिंटैक्स का इशू आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आउटर स्विच लगाना है, तो हमने आउटर स्विच यूज़ किया, और आउटर स्विच के अंदर मैंने इसको चेक किया वेरिएबल किसको, पी को, मैं पी को चेक कर रहा हूँ। फिर हमारी स्विच की बॉडी आ गई, अब मैं यहाँ पे आके चेक कराता हूँ, तो हमने पता है हम केस यूज़ करते हैं, और मैं केस यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 80, अगर किसी की परसेंटेज 80 होती है, ठीक है जी, तो हमने यहाँ ब्लॉक दे दिया। अच्छा, अब मैं इसका नेस्टेड यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अब यह कहानी ये है कि मैं जैसे हमने ये ब्लॉक बनाया था कि परसेंटेज भी चेक करो और साथ में सब्जेक्ट भी चेक करो, इस तरह का अगर सिनारी देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ प्रिंट नहीं दूंगा। अगर मैं यहाँ प्रिंट दे दूंगा तो प्रिंट करने के बाद नेस्टेड भी जाएगा, तो सर प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो बेसिकली चाहता हूँ कि आउटर और इनर दोनों को चेक करें, और जब चेक करें तो फिर दिन प्रिंट पास करें, तो फिर हम यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, बल्कि इसके आद में आके हम एक और स्विच यूज़ करेंगे। यानी ये हो गया आपका नेस्टेड स्विच, यानी इनर स्विच हो गया, और मैं यहाँ पे आके एस के वेरिएबल को चेक कराऊंगा, फिर आपको इस स्विच की बॉडी भी हो जाएगी। अब मैं चेक कर रहा हूँ एस को, कि अगर केस एस की वैल्यू जो है 40 होती है, तो देन उस सूरत में अब मैं प्रिंट करवाने लगा हूँ, मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट कर दो ए प्लस, ठीक है जी। फिर हमें पता है जब हम प्रिंट करवाते हैं केस के बाद, तो हम ब्रेक भी यूज़ करते हैं, तो हमने ब्रेक भी यूज़ कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अब मैं यहाँ मल्टीपल ऑप्शन मैसेज भी पास करना, चलिए ऐसे कर लेते हैं कि हम मल्टीपल मैसेज भी पास करना चाहते हैं, कि अगर वो सब्जेक्ट में फेल है या फिर जो है वो परसेंटेज कम है, तो सोचा मैं यहाँ मौजूद हूँ इस केस पे, तो मैं इसका एल्स बनाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर ही आके मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट, और मैंने डिफ़ॉल्ट की कंडीशन लगाई और मैंने यहाँ प्रिंट करवा दिया, हमने कहा कंसोल राइट लाइन, और मैंने कहा सब्जेक्ट नॉट क्लियर, ठीक है जी। ये इसका एल्स हो गया। फिर इसके बाद आके हमें डिफ़ॉल्ट का ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो हमने ब्रेक लगा दिया। अब हमारे पास एरर आ रहा है केस के ऊपर, क्यों, सिंपल सी बात है, इसमें ब्रेक लगा नहीं है, तो हम इसके ब्रेक पे आएंगे और यहाँ पर आके इस केस पे आके हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। अब ये ब्रेक बन जाएगा इस केस का, तो ये हमारा एरर हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर मैं वही चाहता हूँ जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया था नेस्टेड इफ में, कि अगर ये परसेंटेज कम है तो ये प्रिंट करो, और अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स कम है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो फिर ये प्रिंट कर दो,
नहीं, दो एल्स हमने यूज़ किए थे। अगर ये दो एल्स का आउटपुट भी मैं इस पे देना चाहता हूँ स्विच केस में, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक और डिफॉल्ट लेंगे, ये डिफॉल्ट हो जाएगा आपके आउटर का, पी का स्विच पी का आउटर हो जाएगा, आउटर का डिफॉल्ट बन जाएगा, यानी आउटर का एल्स बन जाएगा, ये आपके इनर का एल्स था। तो हमने कहा यहाँ पर डिफॉल्ट और यहाँ प्रिंट करवा दिया, हमने कहा नॉट ए प्लस ग्रेड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है वो कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाते हैं और फिर किस तरीके से हम उस पर काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे डिफॉल्ट में वो एरर क्यों दे रहा है? अच्छा सॉरी, ब्रेक नहीं लगाया ना हमने, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक तो कंपलसरी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आके इसका ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास पहली कंडीशन एस को मैं चेक कर रहा हूँ 80 से, तो 80 तो नहीं है, तो ये 90 है। और यहाँ ग्रेटर देन की कंडीशन तो हम लगा नहीं सकते स्विच के किसी शॉप के साथ, तो उसका मतलब यहीं से बाहर चला जाएगा और इसके इनर में भी नहीं जाएगा और मुझे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया, और तो इसे क्या करते हैं, नॉट ए प्लस ग्रेड, यानी इस आउटर के एल्स पे आ गया और ये इसे प्रिंट कर दिया। दूसरी बात, अगर आउटर का एल्स सही हो जाता है और मैंने इसको चेक किया 80 से और मैं इसको 80 कर देता हूँ, यानी इससे 80% बन रही है और मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, तो सब अब ये आएगा इनर पे, इनर आपके पास 40 है, मैंने 60 दिया फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको सही कर देता हूँ, मैं 40 कर देता हूँ, तो सब इनर भी मैच हो जाएगा, तो मुझे आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस का। ठीक है ना, ए प्लस का आउटपुट आ गया। और अगर इनर पे आके कंडीशन चेंज हो जाती है, मैं इनर को आके जो चेक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 30, तो चलो अब आउटर तो मैच हो गया, 80% मिल गई, लेकिन सब्जेक्ट में उसको 30 मिली और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को मैच किया 40, यानी 40 वाला पास है, तो देन उस सूरत में से मतलब है कि वो इसके डिफॉल्ट में यानी एल्स में आएगा और मुझे ये प्रिंट कर देगा। तो ये सेम वही आउटपुट आ रहा है जिस तरीके से हमने इफ़ का यूज़ किया था, नेस्टेड इफ़ का, वैसे हमने स्विच केस किया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव यूँ होता है कि हमें ब्रेक भी लगाना पड़ता है, तो एक थोड़ा सा मोहतातों के काम करना पड़ता है। इफ़ के अंदर हम लोग इतना जो है इजी सेंटेक्स होता है, लेकिन दोनों चीज़ें आपको मैंने बता दी, आप इस पर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी करें, ताकि मैं जो है मल्टीपल मज़ीद आपको वीडियोज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करूँ, बनाऊँ वीडियो को। और अगर आपको इस पर कोई कमेंट्स हो, कोई पूछना चाहते हैं, तो वह मुझसे कमेंट से पूछें। इसके अलावा अगर आपकी आपको किसी भी टॉपिक पे, सी शार्प प्रोग्रामिंग पे, क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ बिगनर्स के लिए, बिगनर्स टू प्रोफेशनल की तरह बना रहा हूँ ना, तो अगर सी शार्प लैंग्वेज पे अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, आप उसकी भी जो है मुझसे फरमाइश करें, मुझे बताएं, मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे। तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन प्रेस करेंगे, तो देन आपके पास मेरी वीडियोज़ भी आएंगी और आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है जी।